और तुम नहीं जा सकते यार, अभी तक तो खजाने का नाम और निशान का पता नहीं चले। और ना पता चलेगा, खजाना हो तो पता चले। क्या मतलब खजाना हो तो? ओ यार तुम कैसे बोल सकता है कि खजाना नहीं है उधर? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, न है और न कभी था। इसका मतलब है जो इधर हम लोग सब लोग मेहनत करते हैं उसको कोई मतलब नहीं निकलता है? जो हर इंसान दिन रात अपना खून पसीना बहाता है उसका कोई मकसद नहीं है? और जब खजाना नहीं है तो इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है तुमको? देखो अमान, अगर तुम्हारा हिम्मत टूट गया हमको साफ साफ बोल दो कि अब जब कान हम तक गए, किसी बहाने का पीछे नहीं छुपो। और जब हम तुमसे बात करता है इधर देखो, इधर देखो। और तुम रोता किसके वास्ते? देखो बच्चा, तुम रोना बंद कर दो, तुम रोना बंद कर दो, नहीं खुदा कसम हम भी रो पड़ेगा और हम रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रोना बंद कर दो यार। आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है, किस्मत के पंजे में जिंदगी एक बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाती रहती है। और वैसे भी ये जिंदगी है क्या? जिंदगी कहते हैं जिसको दिलरुबा माशूक है, ये कभी फूलों की डाली ये कभी बंदूक है। उन लोगों को खजाना मिल गया है।
की जिंदगी अजीज है तो खजाना हमारे हवाले कर दो। बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुमको मालूम है वो दाऊद का बच्चा कितनी दफा तुमको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो खजाना चला गया। हाँ, ये बोलो ना हमको। खजाना गया हमारा। ओ बेवकूफ का औलाद, ये खजाने का खातिर देखो एक आदमी वो दलदल के अंदर डूब के मरता है। और तुम एक काम करो, तुम ये गंजी पड़ा के ना इसको उतारो, ये पतलून उतारो और नंगा कूद जाओ पानी के अंदर। देखो खान, मैंने तुम्हारी बहुत बकबक बर्दाश्त कर लिया है। इट इज प्योरली माय अपब्रिंगिंग कि मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं किया है। कौन सा माय अपब्रिंगिंग क्या तुम क्या समझोगे? हाँ, हम तो कुछ नहीं समझ सकते। तुम्हारा बाप ने तुमको जबान चलाना सिखा दिए, ये बेजा चलाना सिखा दिए, लेकिन हाथ पैर चलाना नहीं सिखाए। तुमको ना मर्द बना दिए। क्या कहा? हाँ, बोले तुमको ना ना मर्द बन गया। मैं ना मर्द? मुझे हाथ चलाना नहीं आता। कुछ करने के बाद क्या मिला?
खजाना भी गया, हमें क्या मिला? हमको क्या मिला है? तुम अपना सूरत देखो, अपना सूरत देखो। तुम इधर आया था तो तुम मक्की का औलाद लगता था, अभी तुम मरद लगता है, मरद। अभी देखो चौकी, देखते तुम, वो एक खजाने के बराबर एक चौकी है। तुम उसके साथ शादी बनाएगा, उसको 5, 7, 20, 25, 40, 50 बच्चा देगा। थोड़ा ज्यादा हो गए, उसके बाद तुमको आम जैसा एक दोस्त मिल गए। तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो 20-25 दुश्मनों की भी जरूरत नहीं है खान।